पोपट जरा लाइट ऑफ कर दे। अभी करता हूँ। हनी चल सो जा। माँ बहुत थक गया यार। हमने तो काम किया है इसीलिए थके हैं। तूने तो कुछ भी नहीं किया फिर क्यों थक गया? अरे क्यों नहीं किया, ये कुछ नहीं भी तो मैंने ही किया है ना। हाँ तो काम तो कोई नहीं किया ना। अगर मैं काम करता तो जो ये कुछ नहीं है ये कौन करता? किसी को तो ये कुछ नहीं भी करना ही था ना। इससे टीम वर्क छोटे भाई, कुछ नहीं करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करने के लिए सबसे पहले हर काम को मना करना पड़ता है, हर काम के लिए बहाना बनाना पड़ता है, सारा दिन बेड पे पड़े रहना पड़ता है जैसे कुछ देखा ही ना हो, काम को देखकर ऐसा एक्सप्रेशन देना पड़ता है जैसे कुछ सुना ही ना हो, काम की बात सुनकर ऐसा रिएक्शन देना पड़ता है। देखा, कुछ नहीं करने के लिए भी कितना कुछ करना पड़ता है। टीवी के रिमोट के साथ गद्दा फ्री, अंतरिक्ष में जाके होली खेलने से पिंपल दूर होते हैं, नागिन डांस करने से मिलता है स्टडी वीजा। छोटे भाई पोपट क्या बोल रहा है? हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पाव कूल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम Download now only on Google Play Store. अरे मुझे लगा तू अकेला कर रहा है, दोनों भाई मिलके करते हैं ना। क्या इलॉजिकल और फिजूल की बातें, तेरे सर में दिमाग है या दाल खिचड़ी भरी हुई है? देखो अभी बहुत नींद आ रही है तो प्लीज सो जाओ। कितनी शांति है ना हमारे शहर में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, इसीलिए तो अच्छी नींद आती है। चलो गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। उस घर में पार्टी हो रही है, वहीं से आ रही है आवाज। लगता है नए पड़ोसी आए हैं। हाँ नए हैं, इसीलिए हमें पार्टी में नहीं बुलाया। क्या बात क्या बात क्या बात, तू दिन भर कुछ नहीं करके थक गया है फिर भी पार्टी करना चाहता है? मैं पार्टी में भी कुछ नहीं करूँगा। बनी बहुत तेज नींद आ रही है, चलो चल के उनसे बात करते हैं। तेरे नौकर नहीं तेरे चेले हैं। तुझे दिख नहीं रहा हम थकेले हैं? अबे चाय है मंगाता। हम क्या वेले हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकम्मे कहेंगे। ये हाँ हम हैं निकम्मे, अपना काम कर। हमारे शब्दों में दम है, अपना काम कर। फालतू बात का नहीं समय, अपना काम कर। अपना पेशेंस थोड़ा कम है, अपना काम कर। काम करना। मैं झूमू नाचू बाजे पे। कोई आया है दरवाजे पे? उसे फोन पे मैंने ब्लॉक किया। ये कौन है जिसने नॉक किया? ये रॉकी है या लीजा है या फिर ये आया पिज्जा है? कंफ्यूजन में अब क्या बोलूं? तू खोल रहा या मैं खोलूं? मैं ही खोल लेता हूँ। ये चुप, ये दरवाजा खोलो। हाय, लगता है आप लोग नए आए हैं यहाँ पर। मैं बनी हूँ और ये हनी पोपट और ये जोरदार। तुझे कैसे लगे मेरे बोल? मैं हूँ रॉक एंड ये है रोल। शो बुक करना तो लिख मेरा नंबर। अंदर बैठे डीजे विशंभर। डीजे विशंभर इन द हाउस। म्यूजिक बंद करो। ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, अभी बताता हूँ। ये क्या किया, सीडी खराब कर दी।
नो, अब हम म्यूजिक कैसे बजाएंगे? अब सुबह म्यूजिक बजाना, अभी फिलहाल सो जाओ और हमें भी सोने दो। गुड नाइट। तुम फिर शुरू हो गए, म्यूजिक बंद करो। हमने तुम्हारी सारी सीडीज खराब कर दी थी, फिर ये म्यूजिक कैसे बज रहा है? सीडी उखाड़नी है उखाड़ दो, लेकिन जब तक ये पेन ड्राइव है तब तक कुछ नहीं उखाड़ सकते। सारा म्यूजिक तो इसी में है। म्यूजिक सिस्टम रहेगा तब ना, ना रहेगा सिस्टम ना बजेगा म्यूजिक, कोई शक? मेरा सारा सिस्टम जला दिया, पर ये याद रखना तुमने ये ठीक नहीं किया। जलाए नहीं तो क्या करें, समझ में नहीं आता कि लोगों को सोना है इस वक्त और तुम ये म्यूजिक बजा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये कोई म्यूजिक है, कुछ ओल्ड स्कूल बजाओ ना। सॉरी। मेरा मतलब था कि ये लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं गधे। अच्छा तो कम वॉल्यूम पे बजा लेते हैं। हम यहाँ म्यूजिक बजवाने नहीं, बैंड बजाने आए हैं। देखो अगर दोबारा लाउड म्यूजिक बजाया तो हम कंप्लेंट कर देंगे। सुनना है तो अपने तक आवाज रखो, ओके? चलो कम से कम थोड़ी देर आराम से तो सो सकेंगे। अरे उस डीजे वाले की वजह से कल रात में सोने में इतना लेट हो गया कि अभी भी नींद आ रही है। शुक्र है कम से कम उसका शोर तो बंद हुआ। हमें उनका म्यूजिक रोकना होगा। सारा सिस्टम तो जला दिया था, फिर भी म्यूजिक कैसे बज रहा है? कहा था ना, जब तक ये पेन ड्राइव है तब तक कुछ नहीं उखा सकते। देखो ये ऐसे नहीं समझने वाले, इनको सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो ये शहर के बाकी लोगों का भी जीना मुश्किल कर देंगे। बनी सही कह रहा है, ये सबकी नींद खराब कर देंगे। लेकिन अभी तो कोई नहीं सो रहा होगा, जब रात में ये नींद खराब करेंगे हम तब चलेंगे। अरे गधे, लाउड म्यूजिक से तो लोग दिन भर परेशान हो सकते हैं, कोई शक? अच्छा अब समझा। तो चलो दोस्तों इनको सबक सिखाते हैं। देखो कुछ करना होगा, नहीं तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। मगर करे क्या, हमें किसी भी तरह उनकी पेन ड्राइव लेनी पड़ेगी। आइडिया सुनो। इनके स्कूटर को म्यूजिक से तोड़ दूंगा। एक मिनट, टोपी वाला कहाँ है? Oh,
जब तक ये पेन ड्राइव मेरे पास है तब तक तुम कुछ नहीं अखाड़ सकते। लाउड म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है ना, लो सुन लो। नहीं, हमारे काम के पर्दे फट जाएंगे। अब समझ में आया कि दूसरों को कितनी परेशानी होती है। ना रहेगा तुम्हारा ये स्पीकर और ना ही बजेगा तुम्हारा ये म्यूजिक। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये देखो भैया, हमें माफ कर दो, पहली बार बिना राइम के माफी मांग रहे हैं, कर दो ना माफ भाई प्लीज। मैं भी माफी चाहता हूँ। आगे से ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दो। म्यूजिक पेन ड्राइव में भरेंगे नहीं, हमें माफ कर दो। लोग हमसे डरेंगे नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो। देखो, अगर किसी को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर तुम लोगों को गलती का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है। पर आगे से कभी ऐसा नहीं करना, हमेशा वॉल्यूम अपने तक रखना। कोई शक? थैंक यू हमें माफ करने के लिए।